हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉन मैक्स टेक पे। आज हम सेंट्रल लेवल से जो ओबीसी बनाते हैं उसको अप्लाई करने का प्रक्रिया जानेंगे। जैसा कि आप इसको सर्विस प्लस को आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप 5 नंबर पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे फॉर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप ये ओपन हो गया है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि जेंडर कौन सा है आपका। यहाँ पे आवेदन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और आधार नंबर देना हो तो दे सकते हैं। उसके लिए आपको आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए OTP से वेरीफाई करने के लिए, और ये अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा, इसलिए आप आधार नंबर नहीं देंगे। यहाँ पे आप स्टेट अपना चूज कर लेंगे, जिला आप अपना चूज कर लेंगे, फिर यहाँ मंडल, यहाँ पे ब्लॉक देंगे, ग्राम देंगे, वार्ड नंबर देंगे, पोस्ट ऑफिस देंगे, यहाँ यहाँ पे आप पिन कोड देंगे, ये सर्किल नंबर होल्डिंग नंबर देना जरूरी नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आप अगर आपका स्थानीय निकाय का प्रकार चूज कर लेंगे कि ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है, फिर आप यहाँ पे थाना अपना चूज कर लेंगे और सेम अबाउट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग का सेम एड्रेस ही रहता है, तो यहाँ पे सेम कर देंगे। इसके बाद आपको सीधा आना है यहाँ रिलीजियस पे, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कैटेगरी देना है, सॉरी हिंदू ही रहेंगे, और यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे जाति आप अपना देंगे, ये है यहाँ पे आपका, अगर उपजाति होगा तो उपजाति लिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग हम चूज करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी कास्ट होगा, जैसे कि हमारे केस में कुशवाहा क्वेरी है, तो यहाँ पे हम चूज कर लिए हैं। यहाँ पे सामने छात्र दे देंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि सूची में उनका संख्या 19 है, यहाँ पे पिता का नाम देंगे, पिता का जाति भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि क्या है, तो ये सीम हो गया कुशवाहा क्वेरी। मदर नेम यहाँ देंगे, अगर किसी महिला या लड़का कर रहे हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम देना होगा, और जरूरी नहीं है कि आप दें, कोई जरूरी नहीं, आप नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जरूर से दें, फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद अभिभावक को पिता पति की स्थिति देना है, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे देने के लिए, सीधा आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आपको आय देने के लिए मिलेगा आप वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे आप अपना डिटेल देंगे, ये सब इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आ जाएंगे वार्षिक आय पे, जहाँ झ लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका आय किस तरह किस स्रोत से बना हुआ है, जो कि आप पहले से जाती है आवासीय आय आपका तीनों बना हुआ होना चाहिए, और तो देखेंगे जिस जो भी होगा यहाँ पे आप अपना चूज कर लेंगे कि हाँ, अगर 85,000 का है तो आप यहाँ पे 85,000 शो करेंगे। आय अगर कर भुगतान करते हैं तो कर यहाँ हाँ करें, नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, ज़्यादातर केस में यहाँ नहीं रहेगा। संपत्ति आपका कर कैसे अथी में आता है कि नहीं, तो यहाँ नहीं कर देंगे। फिर यहाँ इतना सारा चीज़ आपको अपलोड करना है, देख लीजिए, घोषणा पत्र हो गया, निवास पत्र हो गया और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है, भर जाने के बाद आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अटैच करना है जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंस निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र डालेंगे। आपको सारा चीज स्कैन करके आपको रखना होगा, ये मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है, आपको खुद से पहले स्कैन करना होगा और 200 KB से कम नहीं रखना होगा।
ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एडवेंचर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में आप लिख सकते हैं, कुछ और जानना हो तो, या फिर अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज़ को आप कमेंट में दे सकते हैं, आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।